हाय एवरीवन मेरा नाम है जुनेद और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जब आप दसवीं कर लोगे आप बारहवीं कर लोगे आप जॉब लेना चाहोगे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोई स्किल सीखने की कोई कोर्स करने की जहाँ से आप कुछ नया सीख सको अपनी लाइफ में कोई वैल्यू एड कर सको तो उसके लिए आप जाओगे इंस्टीट्यूट पॉलीटेक्निक आईटीआई कॉलेज डिग्री यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ें पर आप चाहते हो कि अपने कम बजट के अंदर आ, कोई ऐसी स्किल सीख लो जिससे आप गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई प्राइवेट जॉब लग जाए तो आप देखोगे कि आपके पास दो मेन ऑप्शन होते हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट और हार्ट रोन और ये हार्ट ट्रोन में बात कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत पॉपुलर रहते हैं ये इंस्टीट्यूट बेसिकली हार्ट टोन क्या है मैं इस वीडियो में आपके दिमाग में ये क्लियर करूँगा क्या हार्ट टोन ज़रूरी है आपके लिए या आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं रियलिटी में क्या होता है हार्ट टोन के अंदर इन डेप्थ ऐसी कौन सी चीज़ें जो हार्ट टोन आपको नहीं बताएगा बट वो सही में होती है अगर आपको हार्टोन में एडमिशन नहीं भी लेना तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी समझने में कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट का और रियलिटी में वो जो आपसे वादे करते हैं क्या वो वर्दिड होते हैं या नहीं तो वीडियो की शुरुआत में करना चाहूँगा नॉर्मल दो टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आप देखोगे कि हाँ अगर आप हरियाणा में देखो तो हरियाणा में हार्ट्रोन एक फ्रेंचाइजी है फ्रेंचाइजी का मतलब ये है गवर्नमेंट ने हार्ट रोन इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइजी दे रखी है आप कोई भी इंस्टीट्यूट हार्ट्रोन नाम से इंस्टीट्यूट खोल सकते हो अलग अलग लोकेशन पर आपको कुछ गवर्नमेंट की रूल्स फॉलो करने आपके ये होना चाहिए वो होना चाहिए ठीक है अब आप देखोगे आपके पास आमने बराबर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो हार्ट ओन के हैं आपके शहर में दो या तीन से ज़्यादा हो सकते हैं अब क्या होता है हार्टोन में हार्ट ओन इज़ नॉर्मल इंस्टीट्यूट लाइक अदर्स जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं आप वहाँ पर कुछ भी सीखते हो एग्जैक्टली वैसा ही है कुछ नया नहीं है अब क्या क्या सिखाते हैं आपको बेसिकली तीन चीज़ों पर मेन फोकस करते हैं फर्स्ट थिंग आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाएगी सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप पावर पॉइंट एक्सेल टैली और ये बेसिक सॉफ्टवेयर सीखते हो अब इनकी ड्यूरेशन मैं बाद में बताऊंगा। दूसरे हार्डवेयर कोर्सेज हार्डवेयर कोर्सेज के अंदर आप हार्डवेयर सीखते हो नेटवर्किंग सीखते हो आ, इस इन चीज़ों को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो फिर आती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर कंपनी को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है जो उनके अकाउंट को मैनेज करे जो उनकी बुक्स को मैनेज करे ये चीज़ें क्या हैं थोड़ा सा आगे अभी करेंगे डिस्कस अब इसके अलावा ये तीन मेन कोर्सेज़ होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पर होने ज़रूरी होते हैं अब इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी लॉन्च कर देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपके हाथों की मूवमेंट मतलब एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी बेटर बनाई जाएगी बाई डिफरेंट मैथड्स अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोई भी पर्सन आपको आपकी पर्सनैलिटी बूस्टअप नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहें वो आपको कुछ ट्रिक्स बता सकते हैं बट आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो आप लाइफ में यूज़ कर सको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद आता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश रिटर्न कोर्स और बहुत सारे कोर्सेज़ ये अलग अलग इंस्टीट्यूट की मर्ज़ी होती है कराने अब क्या ड्यूरेशन होती है इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझ लो आप इस वीडियो को देख के या किसी और की वीडियो को देख के नहीं समझ सकते जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे आप काउंसलिंग करने जाओगे इन डेप्थ आपको कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा सर ये कोर्स इतने महीने का है इसकी इतनी फीस है यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक रफ़ आइडिया दे सकता हूँ हर कोर्स कुछ सेक्टर्स में होता है जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप थ्री मंथ में कर सकते हो वो कोर्स सिक्स में वन ईयर में उसी तरह से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी उसी तरह से आपको फीस भी देनी होती है हार्ड रोन इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बाकी इंस्टीट्यूटों से सस्ता है क्योंकि अंडर गवर्नमेंट ये वर्क करता है अब यहाँ पर हार्ट आपको गारंटी देता है चीज़ की गारंटी देता है कि आपका इनका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर मान्य होता है बिल्कुल सही बात है मान्य होता है बल्कि एक कोर्स होता है एक टेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में लगने से पहले एस ई टी सी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना गवर्नमेंट जॉब में कई सारे टेस्ट होते हैं बट ये आपको पास कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास हार्ट ऊन का सर्टिफिकेट है डिपेंड करता है कौन सा सर्टिफिकेट है ये सारी जानकारी आपको काउंसलिंग में बताएंगे अब मैं आपको क्या बताऊंगा मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हाँ हरे हार्ट ओन इंस्टीट्यूटों में पढ़ाई अच्छी होती है डिपेंड करता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए अच्छी क्योंकि काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है काफ़ी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चाहती है इनको रन करना आ, आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है आपको पास बनवा के दिया जाता है पैसे आपको ही देने पड़ेंगे बट आपका जो भी वहाँ के टीचर होंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स वो आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब आपको मिलेगी बेसिकली हार्ट रोन जो है 1994 में आईटी आईटी कल्चर में स्टार्ट किया गया था ये सारी फ़्रेंचाइजी मॉडल है इसका अब स्टडी अच्छी है जॉब के बारे में बात करते हैं क्या होता है जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या हार्ट हार्टोन में भी जाओगे आपको वही वादे देखने को मिलेंगे कि सर हम पढ़ाते बहुत अच्छा है और पढ़ाने के बाद आपकी जॉब डेफिनेटली हम लगवा के देंगे अगर आप वर्द इट हो तो ये जॉब का सिस्टम क्या होता है कैसे वर्क करता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझो कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो अगर आपने कोई चीज़ सीख ली और आप बहुत अच्छे हो, तो आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि जो कंपनी है ना कंपनी को ख़ुद ऐसे पर्सन चाहिए जो उनके लिए एक सही मायनों में काम करते हैं और मैं पर्सनली बता रहा हूँ नहीं मिल पाते तो पहली चीज़ अगर आपने कोई चीज़ सीख रखी है बहुत अच्छी यू आर वेल एंड गुड एंड यू अ गुड कम्युनिकेशन यू हैव द मास्टर ऑफ दैट थिंग तो आपकी जॉब आप अपने आप लगा लोगे दूसरी चीज़ आपको वो सारे टीचर्स सपोर्ट करेंगे क्योंकि इन टीचर्स का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लिंक होता है कि ये आपको कहीं ना कहीं सेट करवा दें क्योंकि इनके पास कॉल्स आती है यार कोई ऐसा पर्सन मुझे दे दे जो अकाउंट में अच्छा हो कोई एक्सेल के अंदर अच्छा हो कोई डेटा अच्छे से मैनेज कर दे तो ये खुद ये सारी चीज़ें लगवा सकते हैं अब तीसरी चीज़ क्या होता है जो कंपनियाँ होती हैं ना जिन कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए होते एक अच्छे मतलब जिनको नॉलेज भी हो और ज़्यादा सिखाना भी ना पड़े और सैलरी भी कम देनी पड़े तो ये सारी कंपनियाँ कांटेक्ट करती हैं इंस्टीट्यूटों में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतने अपने लेवल के वाले इंस्टीट्यूट में जाएगी तो अगर मान लो मान लो कि अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कंपनी आ रही है तो ये मत समझना कि भाई अमेजन फ्लिपकार्ट एप्पल कंपनी आएगी भाई आप देखो उस कंपनी आपके इंस्टीट्यूट का क्या लेवल है वो कंपनी उसी लेवल की आएगी तो इंटरव्यू के लिए आपको डरना नहीं है दूसरी चीज़ डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी क्योंकि वो आ रहे हैं कोई फॉर्मेलिटी के लेकिन नहीं आ रहे हैं उन्हें पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कितनी और क्या रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी ही सोच के रखती है अब जब वो कंपनी आएगी तो उनको पर्सन चाहिए होते है सस्ते है। वो जब भी वहाँ पर आए हैं अगर उन्हें भाई पर्सन चाहिए होते वो एडवर्टाइजमेंट दे दे दो मिनट में इतनी सारी क्वेरीज आ जाती है कि आपका मेल भर जाएगा पर वो पर्सन रियलिटी में एक्सपीरियंस भी होते हैं और सैलरी डिमांड भी करते हैं बट आप फ्रेशर हो तो शायद आप कम में मान जाओ प्राइवेट जॉब आपको ऐसे मिल जाएगी गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें होती हैं अब आप डरो मत इंटरव्यू के लिए क्या होगा आपसे दो तीन सवाल पूछेंगे आप फ्रेशर हो जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो प्राइवेट कंपनी में पहले अब आप आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए काम वो खुद सिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से ये हार्ट टोन सिस्टम वर्क करता है और बाकी इंस्टीट्यूट भी वर्क करते हैं होप यू विल अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच